गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा इस पार्ट वन का लास्ट टॉपिक है जो कि हमारा है एनकोडिंग स्कीम्स। एंड कुछ मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक दो जो टॉपिक्स हमारे इंक्लूड नहीं हुए हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एनकोडिंग स्कीम्स है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड इससे नेक्स्ट वीडियो जो मंडे को अपलोड होगी उसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब तक हमने जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर इससे पहले कि आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ आप देख लीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है एंड एक तरह से पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है, सिर्फ हमें एक नज़र डालनी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शंस को टिक मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं। सो नाउ फर्स्ट आता है कि व्हाट इज़ एनकोडिंग स्कीम। नाउ व्हाट इज़ एनकोडिंग स्कीम, सो एनकोडिंग इज़ द मेथड और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज़ लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशंस एंड सिंबल्स इनटू ए स्पेशल और यूनिक फॉर्मेट फॉर ट्रांसमिशन और स्टोरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनकोडिंग है वो एक तरह से प्रोसेस है हमारे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की एक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनकोडिंग। हमारे सिलेबस में जो एनकोडिंग स्कीम्स मेंशन है वो है थ्री टाइप्स की स्कीम मेंशन है। फर्स्ट है ASCII, सेकंड है ISCII एंड थर्ड है यूनिकोड। नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन सभी को, व्हाट इज ASCII। तो यहाँ पे जो टू द पॉइंट हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ मैंने वही मेंशन किया है। ASCII सबसे पहले फुल फॉर्म होती है इसकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। अल्फान्यूमेरिक कोड का मतलब क्या होता है कि ये जो इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे या कन्वर्ट करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के कॉम्बिनेशंस को करेगा। इसके दो टाइप होती है, एक होता है 7-bit में और एक होता है 8-bit में, जिसको हम बोलते हैं ASCII 7-bit कोड और एक होता है ASCII 8-bit कोड। ASCII 7-bit कोड कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, 128 कैरेक्टर्स, और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, 2^7 से। फिर ASCII 8 कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा, 256, और ये हमने फाइंड आउट किया 2^8 से। तो ये हमारा जितना भी ASCII के बारे में इम्पोर्टेंट था वो। नेक्स्ट हमारा आता है ISCII, इसकी फुल फॉर्म आती है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो कोड है या एनकोडिंग स्कीम है वो इंडियन राइटिंग सिस्टम के लिए यूज़ की गई है। मींस कि हमारे इंडिया में काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ होती है, जैसे तमिल है, गुरुमुखी है, हिंदी है, कन्नड़ है, गुजराती है, इस तरह से काफ़ी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती है। तो उन सभी को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बनाया है। इट एनकोड्स प्राइमरी इंडियन स्क्रिप्ट एज वेल एज ए रोमन ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स कि इंडियन स्क्रिप्ट को भी इनकोड कर सकता है, रोमन ट्रांसक्रिप्ट को भी। इट यूजेज एन 8-bit एनकोडिंग स्कीम। कितनी 8 करता है, 8-bit मीन्स कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेगा, 256 कैरेक्टर्स। और इसमें एक बात ये देखने वाली है कि जो इसमें फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स है वो 0 to 127 आर सेम एज इन ASCII। वो जो ASCII में जैसे रिप्रेजेंट हुए हैं वैसे ही इसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे, स्टार्टिंग के 128 कैरेक्टर्स। तो ये हमारा ASCII एंड इस ISCII के बारे में था। मेन फुल फॉर्म है दोनों की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, दो फॉर्म में है, 7-bit एंड 8-bit। 7-bit है तो 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा,
8 बिट है तो हमारा 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ISCII फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये हमारा इंडियन राइटिंग सिस्टम के लिए यूज़ हुआ है। 256 कैरेक्टर्स या 8 बिट एनकोडिंग स्कीम है और स्टार्टिंग के 128 कैरेक्टर्स हमारे 0 to 127 सेम एज इन ASCII। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी स्कीम आती है यूनिकोड एनकोडिंग। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट। और ये क्या, इसका क्या काम है? ये करता है स्टोर यूनिकोड टेक्स्ट यूज्ड टू प्रोसेस स्टोर एंड एक्सचेंज टेक्स्ट डेटा इन एनी लैंग्वेज। ये मतलब किसी भी लैंग्वेज में उसको प्रोसेस कर सकता है, स्टोर कर सकता है और एक्सचेंज कर सकता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ASCII कोड है वो केवल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है सच एज सिंबल्स, लेटर्स, न्यूमरल्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है कि यूनिकोड को हम कहाँ यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा? यूनिकोड को हम इंटरनेट पे या वेब पेजेस में यूज़ करते हैं। अब ये साइज़ बिगर है तो इसीलिए इसकी स्टोरेज स्पेस भी ज़्यादा होगी ASCII से। तो यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट जो कि स्टोर करता है यूनिकोड टेक्स्ट को। ये किसी भी लैंग्वेज में डेटा को प्रोसेस, स्टोर एंड एक्सचेंज कर सकता है। जबकि ASCII जो है केवल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है कि यूनिकोड को हम इंटरनेट में यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, वेब पेजेस में यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेता है। अब ये था यूनिकोड। यूनिकोड की अब आती है यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स। 3 होती है, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। हमारे सिलेबस में मेंशन है 8 एंड 32। अब फर्स्ट हम UTF-8 के बारे में देखते हैं। UTF की फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। 8 मींस क्या है कि ये 8 बिट वैल्यू यूज़ करेगा इन एनकोडिंग। एंड 8 बिट कितने के इक्वल होता है? 1 बाइट के। सबसे ज़्यादा यही UTF-8 एनकोडिंग यूज़ होती है। और बाय डिफ़ॉल्ट ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाइथन में कौन सी एनकोडिंग स्कीम यूज़ होती है, यूनिकोड स्कीम यूज़ होती है, तो UTF-8 ही पाइथन में यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखें इसमें कि इट यूजेस 1, 2, 3 और 4 बाइट टू इनकोड एवरी कोड पॉइंट। ऑल इंग्लिश कैरेक्टर्स जस्ट नीड 1 बाइट। कि हमारे जितने भी इंग्लिश कैरेक्टर हैं ना 0 to 25 उन सब के लिए 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है। और अगर इंग्लिश के अलावा कोई और अलग सिंबल है तो हमें वी नीड ओनली नीड मोर बाइट इफ़ वी आर सेंडिंग नॉन इंग्लिश कैरेक्टर। यूज्ड टू रिप्रेजेंट यूनिकोड टेक्स्ट इन वेब पेजेस। यहाँ पे एक बात याद रखने के लिए है कि यूनिकोड एक कैरेक्टर सेट है वाइल UTF-8 एक एनकोडिंग है। यूनिकोड क्या है? इज ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स विद यूनिक डेसिमल नंबर एंड UTF-8 इज ए वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग फॉर्म। अगर क्वेश्चन आए कि UTF-8 क्या है, वेरिएबल लेंथ है या फिर फिक्स्ड लेंथ है या दोनों है या कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग फॉर्म है। यूनिकोड दैट प्रिजर्व्स ASCII कैरेक्टर्स कोड ट्रांसपेरेंटली। इसके अंदर हमारे ASCII कैरेक्टर्स भी प्रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट आता है UTF-16। ये 16 बिट वैल्यू है, ये भी वेरिएबल लेंथ है। 16 और 32 बिट शो करवाता है 2 बाइट और 4 बाइट, जबकि UTF-8 के अंदर 1, 2, 3 और 4 बाइट था। UTF-32 के अंदर 32 बिट वैल्यू है, ये फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग है, इसमें 32 बिट शो रिप्रेजेंट होगी और 4 बाइट होंगी। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जो थ्योरेटिकल है, हम एक बार रीड आउट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने एनकोडिंग स्कीम्स देखी है। मेन UTF-8 है जो पाइथन में भी यूज़ होती है और ज़्यादातर वही यूज़ होती है जो करंट वेरिएबल लेंथ है 1, 2, 3 और 4 बाइट्स के लिए होती है। एंड UTF-32 जो है हमारी वो फिक्स लेंथ होती है। ये थोड़े से छोटे से टॉपिक है, एक बार हम देख लेते हैं।
कि कोडिंग सीक्वेंस हमारे पास फोर टाइप की होती है, वेटेड कोड, अनवेटेड कोड, अल्फानुमेरिक कोड एंड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। अब वेटेड कोड में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, 8421 जिसको BCD कोड बोलते हैं, 2421 एंड 5421, ये नेगेटिव में भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अनवेटेड कोड के अंदर आता है ग्रे कोड एंड XS3 कोड, अल्फानुमेरिक में ASCII 7-bit, 8-bit एंड होलरीथ और यूनिकोड। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में आते हैं पैरिटी चेक एंड चेक सम। उसके बाद आती है कोडिंग सीक्वेंस प्रॉपर्टी। अब कोडिंग सीक्वेंस प्रॉपर्टी मीन्स रिफ्लेक्सिव कौन कौन है, 2421, 5421, XS3 और ग्रे कोड रिफ्लेक्सिव है। सीक्वेंशियल कौन सा है, 8421 एंड XS3 सीक्वेंशियल है। XS3 मतलब क्या, BCD+3। पीछे हमने लास्ट वीडियो में जब हम कन्वर्जन कर रहे थे तो उसमें मैंने BCD टू डेसिमल कन्वर्जन बताया था, तो अगर हमें XS3 करना है डेसिमल टू XS3 तो हम पहले डेसिमल टू BCD करेंगे और फिर BCD में +3 ऐड कर देंगे। 3 का मतलब कितना, 011। उसके बाद आता है साइक्लिक कोड, ग्रे कोड होता है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री XS3 होता है, मिनिमम एरर कोड ग्रे होता है। तो ग्रे कोड क्या क्या होता है, नॉन वेटेड है, साइक्लिक है, रिफ्लेक्सिव है और मिनिमम एरर कोड है। XS3 क्या क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, नॉन वेटेड, सीक्वेंशियल एंड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कोडिंग सीक्वेंस एंड उनकी प्रॉपर्टी है जो कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि विच कोड इज साइक्लिक कोड, तो आंसर होगा हमारा ग्रे कोड। नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये हमारा मेंशन नहीं है सिलेबस में इसलिए हम एक छोटी सी रीड आउट कर रहे हैं। इसमें 5 जनरेशन होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। फर्स्ट जनरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि 1942 से 1955 तक था ये। साइज़ बिग होता है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, स्लो होता है, ज़्यादा पावर कंजप्शन है, एरर ज़्यादा होते हैं, मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है, एग्जांपल है ENIAC एंड UNIVAC। इनकी फुल फॉर्म मेरी पिछली वीडियो में है, आप देख सकते हैं। सेकेंड जनरेशन है 1956 से 1964, स्मॉलर होता है देन फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने, फास्टर है, चीपर है, लेस पावर है, असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती है, ये इसके एग्जांपल है। थर्ड जनरेशन 1964 से 75 है, स्मॉलर है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया ICs ने, इंटीग्रेटेड चिप्स, ये फास्टर हो गया, चीप हो गया, साइज स्मॉल हो गया, लेस पावर यूज़ होती है, UNIVAC 1107 इसका एग्जांपल है। फोर्थ जनरेशन 1975 से 89, IC को रिप्लेस किया LSI एंड VLSI, फुल फॉर्म होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। माइक्रो प्रोसेसर यहीं पे डेवलप हुआ था। स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी सब में ये अच्छा है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यहीं पे यूज़ हुआ, माउस और अदर हैंड हेल्ड डिवाइस भी यहीं पे डेवलप हुए थे। नेटवर्क हम बना सकते हैं, इन सबको कंबाइन करके नेटवर्क बनाते हैं, तो इंटरनेट भी यहाँ पर यूज़ हुआ, DEC 10 और Apple 2। लास्ट है हमारा फिफ्थ जनरेशन 1989 से अभी तक चल रहा है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे यूज़ होती है। तो ये हमारे थी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, लास्ट टॉपिक है इस सेक्शन का और इस पार्ट का भी। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे मंडे को। तो टाइप ऑफ कंप्यूटर 4 होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो स्कूल्स एंड होम्स में यूज़ हो रहे हैं, सिंगल यूज़र PC होता है, सिंगल चिप यूज़ होगी, स्मॉल होता है, चीप होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चीप होते हैं और मल्टी यूज़र होते हैं, स्टोरेज भी ज़्यादा होती है, नेटवर्क सर्वर में यूज़ हो सकते हैं। मेन फ्रेम लार्ज साइज़ होता है, पावरफुल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी मल्टी यूज़र होते हैं, बैंकिंग में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव, फास्टेस्ट एंड लार्ज साइज़, इनका यूज़ होता है वेदर फोरकास्टिंग में, मिलिट्री में, न्यूक्लियर एनर्जी में, शिप्स में एट्सेट्रा। ये एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर को हम किस में मेज़र करते हैं, तो सुपर कंप्यूटर को हम मेज़र करते हैं फ्लॉप्स में, FLOPS, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। अगर एफ फ्लॉप्स नहीं लिखा है तो जी फ्लॉप्स आएगा, जी का मतलब गीगा, एम फ्लॉप्स आए तो मेगा, के फ्लॉप्स आए तो किलो।
तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो मंडे को प्रैक्टिस सेट है एंड उसके बाद हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, जितना हमारे टॉपिक सिलेबस में है वो सब इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।